हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.3 करेंगे। देखो इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं अ टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। मतलब मान लो ये एक मैंने यहाँ पर टैंक बना दिया ये, ठीक है, और जिसमें जो वाटर फील्ड है वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर तक की, यानी कि उसकी हाइट हो गई, ठीक है ना, ये वाटर की। तो ये कितनी है हमारे पास, 12.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यानी कि ये रियल डेप्थ हो गई एक तरह से, हम ये कहें, है ना, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इसको तो रियल डेप्थ ये है। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। देखो टैंक है फिल्ड विद वाटर, ठीक है, जो अपेरेंट डेप्थ है नीडल की, जो कि बॉटम में है टैंक के। अब यहाँ पर एक नीडल है मान लो ये, ठीक है, ये बॉटम में है, यहाँ बॉटम में है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो कहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पर दिखाई दे रही है थोड़ी सी ऊपर। ये कितनी है हमारे पास, 9.4 सेंटीमीटर, यहाँ तक अगर हम इसे देखें तो ये कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर की इसकी अपेरेंट डेप्थ है। वैसे तो ये एक्चुअली में यहाँ पर लाई कर रही है, लेकिन पानी में आपको पता ही है ये थोड़ी सी कहाँ दिखेगी, ऊपर को दिखेगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो ये जो बात है आपको समझ में आनी चाहिए कि पानी में कोई चीज़ क्यों ऊपर को थोड़ी सी दिखाई देती है, वो आपको पता ही है कहानी क्या है, वो सारी की सारी कहानी रिफ्रैक्शन की कहानी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो वैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.33 होता है, लेकिन फिर भी इसने पूछा तो हम यहाँ पर सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की बात करता है, ठीक है, तो ये वाटर है, तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर आपने रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको याद होगा वहाँ पर हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू में था हमारे पास, अगर आपने ध्यान दिया हो, रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, जो कि हमने उसे लिखा था एक्स से रियल डेप्थ को, और जो अपेरेंट डेप्थ थी उसको हमने वाई से लिखा था, ठीक है। तो ये वाई हो गया हमारा और ये वाला एक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी दूँ, रियल डेप्थ अपॉन में था हमारे पास अपेरेंट डेप्थ, क्लियर है ये इतनी बात, बताओ, ठीक है। वाई हमारा ये वाला है इधर, ठीक। तो अब सिंपल है, निकाल सकते हो आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें निकालना है, और जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो है 12.5, और वाई की वैल्यू है हमारे पास 9.4। इसे हम सोल्व करें अगर, तो 125/10 हो गया, और ये 94/10 होगा तो वो 10 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारे पास, अब देखो ज़रा इसको आप, ये 125 और ये 94, ठीक है, 94 1 94, और ये 1 आया, 12 में से 9 गया 3, फिर 0 लगाओगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब आप देखना ये 3 पे जाएगा, 3 4 12, 3 9 27 और 1 28, तो ये 3 पे गया, जो आया हमारे पास 282, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और फिर हमने 0 लगाया, तो देखो अगेन ये जो होगा ना आपके पास 282 आ रहा है, ठीक है। तो ये किस पे चला जाएगा हमारा, 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे आप देखना, जब मैं इसे राउंड ऑफ करूँगा तो 1.33 आ जाएगा, तो 94 2 से करो, 24 था कितना हो गया हमारे पास 8, 2 9 18, तो 188 आया ये, और 10 में से 8 गया 2, एंड यहाँ कितना बचा हमारे पास 7, 17 में से 8 गया कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। फिर एक 0 जब आप उतारोगे, अब देखो ये नंबर ना बड़ा चला गया हमारे पास, ठीक है, तो ये 94 9 पे जाएगा, और 9 9 81, और 3 कितना हो गया हमारे पास 84, तो 846 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 9 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो म्यू डब्ल्यू जो था हमारे पास वो आ रहा है यहाँ पर 125/94, इसको हमने सोल्व किया तो 1.329, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर 5 से बड़ा है, तो 1.33 हो जाएगा हमारे पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये वाटर हमने निकाल दिया, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब वो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है, इफ़ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.63 अप टू द सेम हाइट, ठीक है। बस अब यहाँ पर पहले वाटर था, अब वाटर की जगह आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, कोई और मान लो है हमारे, ऑयल है कोई, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने 1.63 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पर मान लेता हूँ ये कुछ भी मान लो इसको, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मान लेता हूँ ये मैं, ठीक है, जो भी हमने चीज़ हमें चीज़ दी है, ठीक है, ये कितनी दी है, 1.63 माननी है हमने, कोई भी अदर लिक्विड जो भी लिया है हमने, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड है, ठीक है। तो यार मैं एल से लिख दूँ लिक्विड, ठीक है, इससे ज़्यादा ईजी रहेगा, ये एल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सेम हाइट पे है, अब ये कह रहा है कि अब क्या होगा, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड फोकस ऑन द नीडल। अब देखो ज़रा उसे फोकस कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ पर ये नीडल कि अब जो है अपेरेंट डेप्थ बन रही होगी, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज हो गया, अब ये यहाँ की बजाय कहीं और बनेगा, समझ रहे हो, तो वही हमें बतानी है। तो हम अपेरेंट डेप्थ अगर निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि कितना मूव हुआ है ऊपर, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यहाँ पर हम लिखेंगे रियल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ ये हो गई,
और अपेरेंट डेप्थ अब इसमें हमें निकालनी है, तो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, ये रियल डेप्थ है और नीचे है हमारे पास अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। इसकी जो अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है, इसको मैं किससे मान लूँ, जेड से मान लेता हूँ, ठीक है, ये जेड से मान लेता हूँ और ये एक्स ही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये 1 पॉइंट कितना है हमारे पास, 6.3 है, रियल डेप्थ वी नो 12.5 है नीडल की। अब अपेरेंट डेप्थ अब चेंज हो गई ना, ठीक है, वो हमें बतानी है, तो ये जेड हो गया एक तरह से, तो जेड इधर रखो, 12.5 अपॉन में 1.63, तो कितना आ जाएगा, ये देखो आपके पास 12.5 का पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, 1.63 का पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 लगेगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1250 और ये है 163, 163 को अब आप करो किससे, ये आप करो 7 से, 73 था 21, 2 76 था 42 और 2 44, 7 मतलब 7 और 4 कितना हो गया हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं करूँ 8 से तो कितना बनेगा, ये हमारे पास 83 था 24, ठीक है, और 86 था 48 और 250, 8 मतलब 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हम 7 से ही करते हैं तो कितना बन रहा है, 1141, और 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, फिर एक 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट आ गया, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये अब किस पे जा सकता है, ये 6 पे चला जाएगा, ठीक है, आप करके देखना इसको, 6 पे जाएगा ये, तो ये 163 को 7 से करेंगे तो 73 था 21, 76 था 42 और 244, 7 बन रहा और ये 11 ये बन रहा है हमारे पास, ये तो 7 से ही हो गया, 7 से यानी 6 पे जाएगा ना ये, तो 6 से करो इसको, यहाँ पर करते हैं देखो 163 को 6 से करो, 63 था 18, 66 था 36 और 137, 36 बन रहा 6 और 3 9, 978, तो ये 6 पे गया और ये बन रहा है हमारे पास 978, तो 10 में से 8 गया 2 एंड 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, फिर ये 0 लगाएंगे हम इस पे, ठीक है, और ये फिर अगेन हमारे पास किस पे जाएगा, ये हमारा अगर आप इसको देखोगे तो ये 7 पे तो ये था, ठीक है, फिर 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा ये, ठीक है ना, 6 पे जाएगा तो ये 978 ही आएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर क्या बचा 1, तो 11 में से 7 गया 4 और ये 10 में से 9 गया 1, फिर 0 आएगा, ठीक है, 1420 हो रहा है, ठीक है। तो ये अब किस पे जा सकता है हमारे पास, 7 पे हो गया था, 8 पे किया हमने ये आया, और अगर 9 पे करेंगे तो देखो क्या होगा, 1639, 39 था 27, 6 9 था 54 और 2 56, 9 वन 9 और 5 ये आ रहा है, तो 8 पे चला जाएगा ये, ठीक है, ये वाला 8 1304, बस और ज़रूरत नहीं करने की, देखो जरा या 7.668, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो तो 7.67 आ जाएगा, बिकॉज ये 8.5 से बड़ा है, तो पिछला एक हमने इंक्रीज़ कर दिया, इतने सेंटीमीटर पे अभी ये बन रही है, तो ये 7.67 पे बन रही है, देखो 9.4 पे पहले थी जब हमने इसका ये चेंज कर दिया, तो ये कहीं यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है, जिसकी जो हम कहें कि जो हाइट आई है अपेरेंट डेप्थ, ये कितनी आई है, 7.67 आई है, ठीक है। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि कितना मूव करना पड़ा, जब लिक्विड में वाटर था तब एक्चुअली में जो माइक्रोस्कोप था वो 9.4 सेंटीमीटर पे ही था यहाँ पर, ठीक है, और जब हमने लिक्विड क्या हुआ एक्सचेंज कर दिया, वाटर की जगह कोई और डाला जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.63 था, तो अब इमेज यहाँ बन रही है, यानी कि अपेरेंट डेप्थ ये है हमारे पास, ऑब्जेक्ट तो ये है, इमेज इसकी यहाँ बन रही है जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा, तो यानी कि अब ऑब्वियस ही बात है पहले यहाँ फोकस था, अब उसको शिफ्ट यहाँ करना पड़ेगा फोकस माइक्रोस्कोप को, तो कितना शिफ्ट करना पड़ा, तो ये हम कैसे बताएंगे, बताओ, माइनस करेंगे ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोस्कोप हैज मूव्ड, कितना, पहले अगर वो 9.4 पे था, अब वो गया है किस पे, 7.67 पे, तो ये माइनस कर दो 7.67, तो 9.4 में से 7.67 माइनस किया, तो 10 में से 7 गया 3 और यहाँ कितना बचा 3, तो 13 में से 6 गया ये 7 और ये कितना आया 1, ठीक है ना, 1.73, और आप अगर पीछे से देखोगे तो 1.7 सेंटीमीटर उसको क्या किया करना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा, है ना, माइक्रोस्कोप को यहाँ से यहाँ कितना शिफ्ट करना पड़ा, 1.73। ये आंसर यहीं पर ही नहीं खत्म हो गया कि अपेरेंट डेप्थ आ गई है, उसने पूछा कि माइक्रोस्कोप कितना मूव करना पड़ा, तो पहले फोकस यहाँ लगा रखा था उसने 9.4 सेंटीमीटर पे, ये लिखा हुआ है हमने यहाँ, अब जब लिक्विड चेंज हो गया था तो इमेज यहाँ बन रही थी, तो अब उसे फोकस यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ पहले यहाँ था फिर यहाँ आया,
कितना मूव करना पड़ा, तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, इतना मूव करना पड़ा, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो। ठीक है जी, सिंपल सा था बस कैलकुलेशन ही थी, तो मैंने तो आपके सामने ही सारी कैलकुलेशन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आप देख लेना, क्लियर है, देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है बताओ, कर लोगे इसको? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।